आजाद समाज पार्टी के किसानों के हित के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि कृषि भूमि को विपक्षी राजा बलवंत राजपूत एजुकेशनल द्वारा अवैध गैरकानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेज के विहाप पर जबरन का कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसे साफ जाहिर है कि देश के आजाद होने के बावजूद अभी आज भी गरीब किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामवासी लड़ामदा तहसील सदर के लोगों ने आगरा मंडल नदी नूर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। आज तक इन कॉलेजों का 70 बीघे बनी कुल टोटल और सारे किसानों की जमीन कॉलेज यहाँ पे छीनी गई है। ठीक है, जैसे हमारे कृषि मंत्री जी 1970 में जो थे उनका आदेश भी है, डीएम साहब ने कहा कि भाई 100 बीघे जमीन आपने वो पालन पोषण की जमीन दी है, वो आपने किसानों को वापस किया कि नहीं किया, तो आज तक कोई मैटर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पुराने आदेशों पर हमारा आदेश किया जाए और किसानों को जमीन वापस कराई जाए। लीज पे लीजिए, लीज का क्या? लीज का ये था कि गवर्नर साहब को ऑर्डर किया था कि हम 2 साल के अंदर में अपनी बिल्डिंग बना लेंगे, अगर आपने 2 साल में बिल्डिंग नहीं बनाई तो हम आपको जमीन किसानों से लेकर वापस कर लेंगे। हमारी जमीन जो है सरकार ने ली थी लीज के अपने अंदर में और उनको दी गई थी, आरबीएस कॉलेज राय बलवंत को दी गई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी कॉलेज तो बना ली मगर उन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल के अंदर, अगर वो 2 साल में नहीं बनाई अपने बिल्डिंग जो है तो हम जो 5 साल में सारी जमीन को वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाई 1947 की बात हुई है कि 1947 में आंदोलन चल रहे हैं, हमें लेबर नहीं मिल रही है, इन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए। फिर उन्होंने लेटर लिखा गवर्नर साहब के लिए कि हमको जो जमीन बनाने में असमर्थ है बिल्डिंग बनाने में, आप लिहाजा हमें टाइम दे दिया जाए ताकि हम बिल्डिंग बना सकें। उन्होंने 25 साल के लिए पूरा लीज पर दे दिया, गवर्नर साहब ने 25 साल की लीज पर दे दिया, कभी ठीक है आप नहीं बना सकते हो कोई बात नहीं, आप जो इस पर बनाओ, आप 25 साल ही दिया। 25 लीज के बाद में किसानों की कोई सहमति नहीं हुई, आप लीज बढ़ती चली जा रही, क्यों बढ़ती चली जा रही इसकी जो है हमें आता समझ नहीं आ रहा। जब हमने इसकी पेपर छाना भी नहीं करी, अब उसके बाद में ये माध्यम से निकलता है कि ये सारी हमारे साथ फोर्जरी हुई है, कॉलेज नाम पर जमीन को हड़पा गया है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें हमारे 5 गाँव है, चौटना है, अंगूठी है, सगमने लड़ामदा है, एज ए बिचपुरी है, और बिचपुरी का नाम तो इसमें जमीन तो चली गई, इनको आज तक एक बार फाइल में नाम नहीं दिया इन्होंने, ना किसी पेपर दस्तावेज में नाम दिया, बिचपुरी नाम खोला क्यों नहीं खोला, बिचपुरी नाम जो खोला, और ना इन्होंने कोई मुआवजा दिया हमारे को दिया जो है। और उसके बाद में 100 बीघे जमीन हमारे डीएम साहब ने आदेश किए कि भाई किसानों को 100 बीघे जमीन वापस किया पालन पोषण के लिए, ताकि किसानों को बच्चों का जीवन पालन हो सके। उसके बाद डीएम साहब ने ऑर्डर किए मगर उस पर भी कोई ऑर्डर होने के बाद में एक सहमति बनाई जिसको मैं आपको मैं शो करता हूँ। देखिए ये मामला ये है कि सबसे बड़ा ये षड्यंत्र है किसानों के हक और अधिकारों से उनको वंचित करने का। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जरूर किसानों की जमीन को एक्वायर किया, लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हो गया, देश के अंदर हिंदुस्तानी सरकार स्थापित हो गई और ये किसान भी हिंदुस्तान के हैं, लेकिन उस वक्त भी ये षड्यंत्र रचा गया कि किसानों के हक अधिकारों से उनको वंचित कर किस प्रकार से किसानों को कमजोर किया जाए। एक नियम होता है जमीन को एक्वायर करने का, आरबीएस डिग्री कॉलेज ने जो सरकार के माध्यम से जमीन को एक्वायर की और उस पर उनको समय मिला, समय के अनुरूप उन लोगों ने बिल्डिंग को तैयार नहीं किया, तो लिहाजा ये जमीन जो है किसानों को वापस कर देनी चाहिए थी। लेकिन कॉलेज वालों की मंशा खराब थी या उस वक्त सरकार में बैठे हुए जो मंत्री थे उनसे उनकी मिलीभगत थी, उस मिलीभगत के चलते किसानों को जमीन से वंचित किया गया। आज किसान मजबूर है, परेशान है, किसान के पास ना तो जमीन है और ना जमीन में मजदूरी उनको मिल रही है। इसमें दोषी कौन है? दोषी मौजूदा सरकारें भी रही, अधिकारी भी रहे। आज ये सरकार से ये किसान अपने हक और अधिकार मांगने आए हैं, अगर इनके साथ न्याय नहीं होता तो ये लोग विवश होंगे, चाहे उसकी बाउंड्री टूटे या किसान आंदोलन की आगरा से नींव रखी जाएगी जो अनिश्चितकालीन तक चलेगी जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। 2022 चुनावों को लेकर देखिए स्थिति ये रहेगी, जो भी लोग आएंगे और 1 महीने के अंदर इन किसानों को या तो उनकी जमीन वापस दे दे या उनका आज के हिसाब से मुआवजा दे दे, तब तो ये सरकार ये किसान 5 गांवों के अंदर नेताओं को मुआवजा नहीं है, सीधी मांगे जमीन चाहिए या तब तो ये नेता वोट मांगने जा सकते हैं इनके गांव में। अंधेरा, किसी भी पार्टी का नेता गांव में घुस नहीं सकता वोट मांगने के लिए, कोई नहीं, ये सीधा है किसानों के वोटों से, वोटों का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, लोगों के वोटों से चुनकर मंत्री विधायक सांसद बनते हैं और सांसद बनकर अगर इन्हीं की समस्या नहीं सुनेंगे तो उनको सदन में पहुंचने का अधिकार भी नहीं। इससे पहले जितनी भी सरकार रही उनकी क्या रही, देखिए टोटल भ्रष्ट सरकार थी, सबकी सरकारें देख ली उस वक्त, ये लड़ाई जमीन के अधिकार की लड़ाई इनके पूर्वज लड़ रहे थे जो आज नहीं है। अब इन लोगों ने बच्चों ने उसकी स्टडी की, उसको जाना और आज ये अपने हक अधिकार मांगने आए हैं। अगर जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार है अगर इनकी मांगे मान लेती है तो ये चुनाव में साथ जाएंगे, अन्यथा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपको लगता है चुनावी नजदीक है तो बीजेपी सरकार, आप इसको आपको बिल्कुल मानना चाहिए जिस प्रकार के